हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है ये जैक रेंच जो कि मेरे भाई ने मुझे बुला के दिया है अमेज़ॉन से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर लिंक से पहले हम इसका रिव्यू देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और ये बेनिफिशियल है या नहीं, हमें लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से जो गाड़ी का जैक हमको कंपनी से आया है वो निकालता हूँ। ये रहा जैक और ये रहा स्पैनर। तो चलिए हम इसे यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे एक साइड से ऐसा मूव होता है ताकि हम इसे वापस ले सके, और जब उठाना रहेगा तो हम इसे इधर पुश करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, जैक ऊपर जाएगा। अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये इजी लग रहा है यूज़ करने के लिए। जब हम इसे कार पे लगाएंगे तब पता चलेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। अब शायद लगाना चाहिए हमें। अभी भी नहीं। ये टास्क इससे थोड़ा इजी हो गया, नहीं तो जो इसमें पहले वो आता था वो शायद अंदर है गाड़ी में, उससे बहुत प्रॉब्लम होता था। वो नीचे टच होता था, फिर उसको निकालो, पलटाओ, घुमाओ, ऊपर करो। अब हो गया है ये टच, अब इसका सही हमें रिस्पांस मिलेगा। देखिए बहुत इजी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर कि ये कितना इजीली वर्क कर रहा है। इससे मुझे तो लगता है कि मेहनत आधी हो गई है पूरी। इससे इतना इजी हो रहा है कि मतलब मुझे तो लगता है कि एक छोटा बच्चा भी ये काम इजीली कर लेगा। मुझे जो स्वेटिंग हो रही है ये गर्मी की वजह से, उसकी वजह से नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इतना हार्ड लग रहा है और मैं इजी इजी बोल रहा हूँ। एक सिंपल टास्क हो गया है। इसका मैकेनिज़म आप यहाँ से देख सकते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। ये लिया मैंने वापस, ये खींचा इधर, ये लिया वापस, ये खींचा इधर। तो आप देख सकते हैं जैसा, इसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया है और मुझे तो ये चीज़ पसंद आई है। मतलब मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप भी अगर ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।